चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी कितना होगा? तो ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 53 डिग्री का एंगल है। मास जो है इसका M1 100 किलोग्राम है, इसको M2 कह दो 50 किलोग्राम का है। तो अलोंग द प्लेन जो फोर्स लगेगा M1 जी साइन 37 इधर लगेगा जो इसको मूव कराना चाहता है, दूसरा इस पे जो फोर्स लगेगा M2 जी साइन 53 लगेगा जो इसको प्लेन के अलोंग मूव कराना चाहता है। तो दोनों की वैल्यू पहले कंफर्म कर लेते हैं। M1 जी साइन 37, उससे पहले साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 3/5, और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 होती है। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूं, M की वैल्यू है 100 किलोग्राम, 100 kg, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, साइन 37 की वैल्यू 3/5, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये 2 होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 100 600, 600 न्यूटन आ गया इधर वाले फोर्स की वैल्यू, 600 न्यूटन जो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लग रहा है। अब M2 जी साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी? M2 की वैल्यू है 50 किलोग्राम, तो 50 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5, सो 4/5 इधर रखा, 5 से 5 10 टाइम गया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400 न्यूटन हुआ। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं हॉरिजेंटली रख दूं, 100 kg और 50 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में 600, इधर लग रहा है 400 न्यूटन, और एक ब्लॉक बना दूं अगर 150 किलोग्राम का, तो 600 इधर लग रहा है और 400 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा MT इनटू A। नेट फोर्स कितना हो गया? 600 माइनस 400 इज इक्वल टू MT की वैल्यू 150 किलोग्राम, 150 इनटू A, एक्सेलरेशन A चाहिए, A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 0 से 0 गया 20/15, ये कितना आना चाहिए? ये ऑलमोस्ट 1.33 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का। किधर बॉडी का मोशन होगा? इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये 600 है, 600 न्यूटन ज्यादा है, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा। इतना 1.33 से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? आई थिंक इसमें ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बस इसमें क्या करना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये एरर है। तो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए था अगर 1.33 होता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।